स्टूडेंट्स, मैं विनोद सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के अपने इस लेक्चर में। हमारा लेक्चर चल रहा है त्रिकोणमिति टॉपिक पर और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 और पार्ट 6 में हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 मैं सिखाऊंगा आपको। तो यदि टेन थीटा इक्वल 1 तो sec थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूले के मेथड से कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को हम त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसमें साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू सब दी हुई है आपको त्रिकोणमितीय सारणी में। तो हम इस क्वेश्चन को हम त्रिकोणमितीय सारणी का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं और फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सवाल को फॉर्मूले से बताता हूं, इसके बाद में त्रिकोणमिति सारणी से भी हल करता हूं इसी सवाल को। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं फार्मूले से जाऊंगा। तो चूंकि हमें दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 1, अगर हमें tan थीटा दिया हुआ है तो पहले इन सबका मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो tan थीटा का इसमें से किस अनुपात के साथ क्या संबंध है, जैसे यहां पर तीन त्रिकोणमिति सर्वसमिकाए हैं, इसमें देखिए tan थीटा के लिए दूसरा फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर tan थीटा का मान मालूम है तो हम sec थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो चलिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, चूंकि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर sec थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। ये आ गया आपका sec थीटा का मान, ठीक है भाई, ये sec थीटा मिल गया। अगर हमें sec थीटा मिल गया है तो यहां देखिए ध्यान से, cos थीटा का मान मिल सकता है इस सूत्र की सहायता से, cos थीटा भी चाहिए हमें, ये देखिए cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। तो चूंकि cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इंटू sec थीटा क्या है, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखिए ये इंटू में है तो अपॉन में आ गया, तो देखिए आपके पास cos थीटा का मान मिल गया। तो इसमें से cos थीटा और sec थीटा मिल गया है, अब केवल आपको sin थीटा और cos थीटा निकालना है। तो हम क्या करें, किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, जाहिर सी बात है अगर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो यहां पे देखिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है। तो हमें पहले cot स्क्वायर थीटा का, cot थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो tan थीटा का मान अगर मालूम है तो cot थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये थर्ड फॉर्मूले से, इससे तो देखिए चूंकि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, अब हमारे पास tan थीटा का मान क्या है, 1 है, इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसलिए cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 होगा, तो दैट इज 1, cot थीटा की वैल्यू 1 है। तो ध्यान दीजिए, हम कहेंगे चूंकि ये देखिए अब इसका इस्तेमाल कर लीजिए, cosec थीटा चाहिए ना हमें, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए मैं कैसे 1, 2, 3, 4 फॉर्मूलों का इस्तेमाल हो चुका है, 4 फॉर्मूले का इस्तेमाल, और जब एक के बाद एक दूसरे से रिलेटेड है फॉर्मूले। तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसलिए cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बताइए cot थीटा का मान क्या है, यहां पर देखिए 1, तो 1 प्लस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 2 आ गया, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। ये देखिए आपको cosec थीटा मिल गया, अब केवल क्या बचा है, sin थीटा। तो देखिए ये फॉर्मूला भी आ गया, sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए इस क्वेश्चन में कितने, इन 5 फॉर्मूले का इस्तेमाल लाइन से हो गया। तो सिर्फ ये आपको मालूम होना चाहिए, दिमाग में एकदम अच्छी तरह से एकदम याद रहना चाहिए। जैसे फसलों को बढ़ने के लिए खाद पानी की आवश्यकता होती है ना, इस टॉपिक का खाद पानी यही है, ये पूरा दिमाग में रख लो। तो ध्यान दीजिए हम क्या कहेंगे, चूंकि sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या है, अंडर रूट 2 है, इज इक्वल टू 1, देयरफॉर sin थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो गया। देखिए सभी मान आपको मिल गए, sin थीटा का मान, cos थीटा का मान, देखिए आपने दोनों मान, sec थीटा का मान, cosec थीटा का मान मिल चुका है। अब इसका मान ज्ञात करना पूरा एक साथ, तो हम लिख लेंगे चूंकि
sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta. चलिए भाई मान रख दिया जाए, sin theta का मान क्या है देखिए 1 upon under root 2 plus cos theta का मान क्या है 1 upon under root 2 upon sec theta का मान under root 2 plus cosec theta का मान under root 2. अब इसे हल कर लेंगे, देखिए बड़ी आसानी से, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 plus 1 upon under root 2 होगा और ये 2 टाइम अंडर रूट 2 है तो ये 2 टाइम अंडर रूट 2 हो जाएगा. अब आगे अगर इसे सॉल्व करें तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 इनटू करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा. तो इसलिए इसका क्या होगा sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना हो गया 1 अपॉन 2 हो गया. तो ये फार्मूले से देखिए हमने इस पूरे अनुपात का मान याद कर लिया, sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta is equals to 1 upon 2. तो हमने फार्मूले से किया, इसी क्वेश्चन को हम त्रिकोणमिति सारणी से भी कर सकते हैं. तो मैं इसी क्वेश्चन को त्रिकोणमिति सारणी से अब करने जा रहा हूं, तो एक बार बहुत ध्यान से आप देख लीजिए इसको, समझ लीजिए इसको, मैं इसे इसके बाद त्रिकोणमिति सारणी से कर रहा हूं. सो स्टूडेंट्स अब हम इसी सवाल को करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति सारणी से. तो देखिए ध्यान से, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू 1, अगर आप त्रिकोणमिति सारणी देखेंगे तो उसमें tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, tan 45 अंश बराबर 1 होता है, इसलिए थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 45 अंश. अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1045 अंश. तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा का मान क्या आएगा बोलिए 45 अंश. यहां पर थीटा का मान 45 अंश है, तो ये थीटा जो 45 अंश है सब में रख देंगे हम, तो हम कहेंगे क्या यहां पर, इसलिए sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू, तो sin 45 अंश प्लस cos 45 अंश. देखिए थीटा का मान 45 अंश है, सब जगह 45 अंश आ जाएगा, तो sec 45 अंश प्लस cosec 45 अंश. अब त्रिकोणमिति सारणी आप ध्यान से देखिए, हमने त्रिकोणमिति सारणी पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में डाला हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, उसे अच्छी तरह देख सकते हैं. मैं टेक्स्ट बुक यहां पर दिखा देता हूं आपको, आपके पास त्रिकोणमिति सारणी है, ये देखिए त्रिकोणमिति सारणी आपके पास है, इस सारणी का इस्तेमाल करके आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं. देखिए ध्यान से, तो sin 45 देखिए या sin 45 अंश का मान सामने में क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, cos 45 के सामने भी देखिए क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, और sec 45 का मान भी देखिए तो आपको अंडर रूट 2 मिलेगा, और cosec 45 का देखेंगे सामने में तो अंडर रूट 2 मान मिलेगा. देखिए आसानी से हमने फार्मूला से गए, ठीक है, तो कितना बड़ा करना पड़ा, और सामने से गए तो आपको वैल्यूज फटाक से मिल गई. अब क्या करेंगे इसे सॉल्व कर लीजिए आप, 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2. नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं तो 112 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू कर देंगे तो ये क्या होगा इसका उल्टा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन 2 2 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इससे कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा. तो बस, तो sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 अपॉन 2. अब इसी क्वेश्चन को हमने देखिए कितना इसका डबल टेबल पूरा पेज भर गया था हमारा, पूरा बोर्ड भर गया था हमारा, और कितना आसानी से देखिए कितने इतने भी आंसर इसका है, तो बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत इजी आंसर है. इस हम त्रिकोणमिति टेबल से करेंगे तो कितना आसानी से आंसर आ रहा है आपके सामने, और छोटे में आंसर आ जा रहा है. तो ठीक है, अगले पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, जिसमें सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें सारे सारे सवाल सिद्ध करने हैं. तो बहुत मजा आने वाला है आगे की वीडियो में, तो आप लोग देखते रहिए, और प्लीज चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों को भी बताइए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.